हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू सीएससी 2.0 में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीएससी रजिस्ट्रेशन के बारे में, क्योंकि सीएससी ने रजिस्ट्रेशन यहां पे बंद कर दिया। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, तो यहां पे आपको ये बताया जा रहा होगा कि सीएससी ने अब रजिस्ट्रेशन करना बंद कर दिया है। आप किसी को भी यहां पे सीएससी सेंटर नहीं मिलेगा, मतलब कि अब आप जो है सीएससी सेंटर नहीं ले पाएंगे। तो क्या सच में ऐसा है? क्योंकि आपने यहाँ पे TEC का सर्टिफिकेट भी ले लिया, आपने टिक का एग्ज़ाम दे के यहाँ पे सर्टिफिकेट लिया, पढ़ाई की है, तो क्या अब आप आगे यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे? तो उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप CSC से रिलेटेड हेल्प चाहते हैं, या अर्निंग से, या आप बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पे हेल्प चाहते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि बहुत सारा आपको हेल्प यहाँ पे मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको यहाँ पे ये बताते हैं, अगर आपने TEC का सर्टिफिकेट ले लिया, मतलब कि एग्ज़ाम आपने क्लियर कर लिया है, तो बता दें कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है CSC सेंटर के लिए वो ज़रूर होगा। आप इसके लिए टेंशन मत लीजिए। फिलहाल अभी जो वेबसाइट बंद है वो यहाँ पे बैकएंड में वर्क चल रहा है, डेवलपिंग का काम चल रहा है। थोड़ा सा नया प्रोसेस यहाँ पे CSC रजिस्ट्रेशन का वो स्टार्ट होगा, तो इस वजह से यहाँ पे जो है इसको बंद किया गया है। और दूसरा रीज़न ये है बंद करने का, क्योंकि अब ऐसे VLEs को CSC को रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि बहुत सारे VLEs क्या कर रहे थे कि वो टेक का एग्ज़ाम दे के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर ले रहे थे और सेंटर भी खोल रहे थे, मगर वो यहाँ पे वर्क नहीं कर पा रहे थे और वो बंद हो रहे थे। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि वर्क बहुत कम हो रहा है CSC VLEs के अकॉर्डिंग। तो CSC अब क्या कर रही है कि एक नया यहाँ पे डेवलपिंग सिस्टम लॉन्च करेगी, जिसमें आप जब भी रजिस्ट्रेशन कोई करेंगे तो वो दूसरा प्रोसेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो पहले के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज रहेगा। अब रही बात कि जिन्होंने यहाँ पे TEC में जो है एंटरप्रेन्योर के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया था, उसका एग्ज़ाम दिया, उनको सर्टिफिकेट मिला, तो क्या वो अब नहीं बन पाएंगे? तो ऐसा नहीं है, उनके लिए एक अलग से यहाँ पे जो है ऑप्शन मिलेगा और वो वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और उसके बाद वो CSC सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे जो सिस्टम में आप देख रहे होंगे इस समय की जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बंद है और वहाँ पे जो नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे रहा है, वो इसीलिए दिखाई दे रहा कि थोड़ा सा यहाँ पे काम चल रहा है। और दूसरी चीज़ और बता दें कि ये सिर्फ इसी वेबसाइट पे वर्क नहीं हो रहा, ऐसे बहुत सी वेबसाइट हैं CSC की जिस पे वर्क चल रहा है बैकएंड में। कुछ बता देते हैं आपको एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि CSC में एक बैंक मित्रा है, जिसमें अगर आप CSC सेंटर ले लेते हैं उसके बाद बैंक मित्रा में जाकर रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो BC पॉइंट आपको बैंक का मिलता है, तो वो भी यहाँ पे बंद चल रहा है। ऐसे बहुत सी साइट हैं जो CSC की यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो जिसमें होता है वो बंद चल रही है, तो इस पे वर्क हो रहा है। क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे VLEs हो गए हैं और इतने ज़्यादा यहाँ पे BC पॉइंट या CSC सेंटर नहीं देना चाहती है कंपनी, तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने बंद करके रखा हुआ है। तो दोस्तों, बहुत जल्दी ये स्टार्ट होगा, फिलहाल अभी आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। तो इस वीडियो में यही था कि आप सभी को बताया जाए कि क्यों नहीं हो रहा इस समय रजिस्ट्रेशन। और आप ये सोच रहे होंगे क्या नहीं होगा दोबारा, तो ऐसा नहीं है, और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा और सभी लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे जिन्होंने एग्ज़ाम यहाँ पर क्लियर किया होगा। तो दोस्तों, ये था छोटा सा वीडियो, उम्मीद है कि आपको यहाँ पे पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नया है, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।